हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन कारपेट। तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? यहाँ पर देखिए, ये मेरा पाउडर पफ का प्लांट है और ये मैंने कटिंग से ग्रो किया था सितंबर मंथ में। और अभी देखिए, मेरी सारी कटिंग्स ग्रो हो गई हैं। मैंने कुछ ज़्यादा ही कटिंग लगाई थी, लेकिन इसमें से जो ग्रो हुई हैं वो 3 हैं और आज मैंने सेपरेट कर दूंगी, क्योंकि अब इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होगी और देखिए ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। तो आज मैं इन कटिंग को शिफ्ट कर दूंगी। तो अभी मेरे पास पॉट नहीं है इसलिए, लेकिन मुझे इसे रिपॉट भी करना ज़रूरी, क्योंकि अगर ये एक साथ इसी में लगी रहेंगी तो ख़राब हो जाएंगी। तो अभी मैं इन्हें सेपरेट कर लूँगी। और यहाँ पर देखिए, इसमें ये वीड वगैरह भी उग गई थी तो मैं निकाल लेती हूँ, और जो कटिंग्स ख़राब हो गई हैं उन्हें भी मैं निकाल रही हूँ। निकालने के बाद मैं इसे देखिए, और इसकी 3 कटिंग इसमें ग्रो हुई हैं और अच्छे से ग्रो हो रही हैं, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। तो अभी मैं इसे इन ग्रो बैग में शिफ्ट करूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास पॉट नहीं है और ये वही ग्रो बैग है जो मतलब मैं नर्सरी से जो प्लांट लेकर आती हूँ तो उसे रख लेती हूँ, फेंकती नहीं हूँ। उसी में मैं प्लांट लगा के रख दूँगी। फिर जब मैं पॉट ले लूँगी, पॉट ले आऊँगी, तो मैं इसे पॉट में शिफ्ट कर दूँगी। तो और इस डिस्पोजेबल ग्लास में भी मैं इस प्लांट को लगाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अपना प्लांट निकाल लिया है और ये इस पर देखिए रूट है, लेकिन ये ग्रो नहीं हो पाया, शायद ये ख़राब हो गई थी कटिंग। और यहाँ पर देखिए, ये मैंने 3 कटिंग निकाल ली है, 3 प्लांट मेरे बन गए हैं और अब मैं इन्हें शिफ्ट करूँगी। तो इसकी रूट्स भी अच्छी हैं और ये जल्दी ग्रो नहीं होता है कटिंग से, लेकिन मेरा ये कटिंग ग्रो हो गया, मेरी कटिंग सक्सेसफुल हो गई है। और यहाँ पर मैंने सॉइल लिया है, सॉइल में मैं थोड़ी सी वो डैश डाल रही हूँ और हल्दी, हल्दी डालूँगी मैं इसमें। हल्दी डालकर मैं अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी, और क्योंकि मेरी सॉइल में कंपोस्ट वगैरह सब ऐड है तो मैं और कुछ भी नहीं मिला रही हूँ। बस मैंने देखिए निकाल लिया था ये अपना प्लांट और इसको पानी में डिप करके रख दिया था, क्योंकि इसकी रूट्स को हवा लग जाती तो ये फिर प्लांट ख़राब हो जाता है, इसलिए मैंने इसे पानी में डिप करके रखा था। और ये देखिए, इसकी रूट्स 3 में ही उलझी हुई हैं। तो अभी मैं इन्हें निकाल लूँगी, फिर लगा कर दिखाती हूँ आपको। मैंने 3 प्लांट को निकाल कर और ग्रो बैग में शिफ्ट कर लिए हैं और अब मैं इसमें मिट्टी डाल दूँगी और हल्के हल्के हाथों से मैं दबा रही हूँ इसको, प्रेस करके मैं लगा दूँगी। और लगाने के बाद मैं इसे पानी देकर शेडी एरिया में रख दूँगी, क्योंकि मैंने इसकी सारी रूट्स ओपन कर दी थी, इसलिए ये डेफिनेटली शॉक में जाएगा। तो इसे मैं शेडी एरिया में रखूँगी जब तक इसकी न्यू ग्रोथ स्टार्ट नहीं हो जाती है। अगर मैं इसे धूप में रख दूँगी तो फिर मेरा प्लांट ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं इसे शेड में रखूँगी। और बस, तो यहाँ पर मैंने रिपॉटिंग का काम कर लिया है। जब मुझे पॉट मिलेगा तो मैं इसे बड़े पॉट में शिफ्ट कर दूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं इसे इसी डिस्पोजेबल ग्लास में लगा कर छोड़ दूँगी, और या तो मैं रेनी सीज़न में इसको अब रिपॉट करूँगी, या तो अगर अभी मौसम अच्छा होगा तो मैं कर लूँगी। अगर अभी मुझे पॉट मिल जाएगा तो मैं अभी ही कर लूँगी। तो अभी मेरी रिपॉटिंग हो गई है और अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ पानी, फुल वाटरिंग में करूँगी इसमें, ताकि ड्रेनेज होल से पानी बाहर आ जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, इससे मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलती हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।